अस्सलाम वालेकुम। आज हम दाल कीमा पकाएंगे, जिसके लिए हमने बकरे का कीमा लिया है आधा किलो। कीमा आप चाहें तो लैम का भी ले सकते हैं और बीफ का भी ले सकते हैं। दाल हमने एक कप लेनी है, आप चाहें तो चने की दाल भी ले सकते हैं। ये मैंने मिक्स दालें ली हैं, तीन चार दालों को हमने मिक्स कर लिया है। प्याज चॉप मीडियम साइज के 2 अदद, टमाटर चॉप मीडियम साइज के 3 अदद, हरी मिर्चें लेंगे 2 से 3 अदद, हरा धनिया कटा हुआ लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून, कुकिंग ऑयल लेंगे आधा कप, लहसुन और अदरक चॉप लेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। मसालों में नमक लेंगे 2 टीस्पून या 2 टेस्ट, धनिया पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, हल्दी लेंगे आधा टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला लेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 2 टीस्पून या 2 टेस्ट। दाल हमने ली है 1 कप, मिक्स दालें ली हैं, इनको हमने 25 मिनट तक पानी में सोक किया है अच्छी तरह से वॉश करके। इसके अंदर हमने 2 कप पानी डाल देना है। दाल को हमने तब तक पकाना है जब तक दाल अच्छी तरह से गल जाए। पैन हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल डाल देना है आधा कप। साथ ही हमने प्याज डाल देने हैं मीडियम साइज के, 2 अदद बारीक चॉप किए हुए प्याज डालेंगे। प्याज को हमने गोल्डन करना है, मीडियम आग पर प्याज को गोल्डन कर लें। प्याज को हमने मीडियम आग पर गोल्डन कर लिया है। अब हमने इसमें लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ डाल देना है 1 टेबलस्पून भरकर। लहसुन अदरक हमने 1 मिनट फ्राई करना है। लहसुन अदरक डालकर 1 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया है। अब हमने इसमें कीमा डाल देना है। साथ ही हमने टमाटर डाल देने हैं 3 अदद बारीक चॉप किए हुए। साथ ही मसाले भी डाल देंगे, नमक डालेंगे 2 टीस्पून या 1.5 टीस्पून डाल दें, अगर बाद में ज़रूरत हो तो आप भी डाल लें। धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी डालेंगे आधा टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून या 2 टेस्ट, जितनी भी आप लाइक करें उतना ही नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। अब हमने कीमे को भून लेना है 6-7 मिनट तक। कीमे को हमने भून लेना है जब तक टमाटर जो है ये अच्छी तरह से गल जाए, तब तक हमने कीमे को भून लेना है। कीमे को हमने थोड़ी तेज आग पर 6 से 7 मिनट तक भून लेना है। तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर जो है ये अच्छी तरह से गल जाए। कीमे को हमने थोड़ी तेज आग पर 8 से 10 मिनट तक भूना है। अब इसके टमाटर जो है ये बिल्कुल मेल्ट हो गए हैं। अब हमने इसमें पानी डाल देना है 2 कप। पानी डालकर मिक्स कर देंगे। अब हमने आग को मीडियम कर देना है या थोड़ा हल्का कर लें, और इस पर हमने ढकना लगा देना है 30 से 40 मिनट तक, या 45 मिनट तक आप कीमे को
पका ले ताकि कीमा जो है गल जाए। कीमा को हमने तकरीबन 40 से 50 मिनट तक पकाया है। अब इसका पानी थोड़ा खुश्क होने लगा है। अब हमने इसमें दाल डाल देनी है। हमने मिक्स दालें ली हैं, आप चाहें तो चने की दाल भी डाल सकते हैं। दाल डालकर मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हमने आग को थोड़ा हल्का कर देना है। 5 मिनट तक हमने दाल को और पकाना है ढकना देकर। दाल को थोड़ा ढांप देंगे, 5 मिनट तक हमने और कुक करना है। दाल डालकर 5-6 मिनट तक हमने पका लिया है। अब हमने इसमें हरी मिर्चें डाल देनी है, 2-3 हरी मिर्चें ले लें। साथ ही हमने हरा धनिया डाल देना है और गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर मिक्स कर देंगे। अब हमने ढांप कर 5 मिनट तक और पकाना है। गरम मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर 5-6 मिनट तक हमने दाल को पका लिया है। अब हमारा दाल कीमा रेडी है, बेहतरीन जायका है। अब आप इसमें नमक टेस्ट कर लें। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। बेहतरीन जायका है, आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।